So guys, what's up? This is Pinavin Giri back again with another video. And जैसा कि अभी तक हमने बात किया था कि सारा का सारा जो कॉस्मिक सिस्टम हमने यहाँ पे सामने रख दिया था, बट उस पूरे कॉस्मिक सिस्टम का जो एक आधारशिला है जिसको बोलते हैं बेसलेस बेस, दैट वॉज दिस ओशन ऑफ लव नोन एज नथिंगनेस. This is the baseless base. This is the seedless seed. This is the core of the seed of life. So known as soul when you are into it. So this is what it includes, is me, I am not. This is what, कि मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बस मैं हूँ. That means ये है नहीं पर दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो है नहीं. This is the seed of life. Source of life. Now, thing is, this is also the pixel of life. This is the smallest unit possible. We are measuring on different scales. यहाँ से यहाँ, this is meter, this is light year and beyond, outside, this is into pico, nano and then quantum level पे, then -32, 10^32, this kind of things. But यहाँ पे जाएंगे तो भी यही मिलेगा, that is nothing. यहां पे जाएंगे तो भी यही मिलेगा, दैट इज नथिंग. सो दिस इज द वन यूनिट. ये मैं हूं, आप हो, सब है. सबके अंदर का जो सोर्स कोड है वो ये है कि मैं नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं. और ये कुछ नहीं क्या था, शांत हूं, एकांत हूं, शांत एकांत मौन. जब मैं ही नहीं हूं तो सब कुछ होकर भी क्या करेगा. सो this is what the entire cosmos is made up of. This was what the cosmic structure is all about. That is me, I am not. ये एक चीज है, एक यूनिट. इसी से सब कुछ बना है. कैसे बना है ये मी आई एम नॉट, एक यूनिट है. दैट मीन्स दिस पिक्सल, दिस इज द इनफाइनाइट यूनिवर्स. इसमें जो एक पिक्सल है, एनी ऑफ दिस, ईच वन इज इक्वल. ये जो पिक्सल है वो ये है, एक पिक्सल. हर पिक्सल में मैं हूं, हर पिक्सल में मैं हूं. इसको अगर जूम करेंगे, इसके अंदर कौन है, मैं हूं. इसको जूम करेंगे तो मैं हूं. मैं कौन, मैं वो जो इसे देख रहा हूं, मैं वो जो दिख रहा हूं. देख भी मैं रहा हूं, दिख भी रह रहा हूं. मिरर इमेज, दैट लीड्स टू इल्यूजन विच कैन बी ओनली ब्रोकन बाय द मिररलेस मिरर इमेज नोन एज नथिंगनेस. दिस इज वेयर थिंग्स चेंज, द पर्सपेक्टिव चेंज, द सेल्फ रियलाइजेशन ऑकर्स. ओ शिट, ये तो मैं ही हूं. जरा दूसरी साइड से देखो. जैसे इसका एग्जाम्पल समझने का क्या है, जो एसी का ट्रेन का डब्बा होता है, जो मिरर होती है, उसके एक साइड से रिफ्लेक्शन होता है, दूसरी साइड से आप पर दिखता है. जब आप ट्रेन के बाहर से देखते हो तो आपके सामने मिरर होता है, आपको ये नहीं पता अंदर से आपको कोई देख रहा है. आप अपने इमेज को देखते हो और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हो. बट उसी ट्रेन में उसी शीशे के दूसरी साइड से जब आप बाहर देखते हो तो आपको, आप खुद नहीं दिखते हो, आपको सामने वाला दिखता है. तो आपको हंसी आती है कि क्या कर रहा है, नाक के बाल साफ कर रहा है, कोई स्माइल कर रहा है, कोई दाल देख रहा है, कोई चेहरा बना रहा है. तो आप तो देख रहे हो, आपको मजा आ रहा है, लेकिन आपको सच दिख रहा है पीछे से. आप कुछ नहीं कर रहे, आपके सामने वो चल रहा है, आप सिर्फ साक्षी हो, आप देख रहे हो. लेकिन जो बाहर है उसको नहीं पता कि उसे कोई देख रहा है. दैट इज द डिफरेंट. ये मिरर है, इस तरफ रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखता है. ये दुनिया जो आउटसाइड है, ये दुनिया जो आउटसाइड है बाहर की तरफ है, यहां से बाहर दिखता है. मतलब ये स्पेस टाइम है. यहां से जो बाहर दिखता है उसके लिए रिफ्लेक्टिव मिरर है, और जो इस साइड चलते हैं यहाँ पे कोई मिरर नहीं. दिस इज नथिंग, कोई मिरर नहीं. यहां से अंदर वाली सरफेस है, जैसा है साक्षात दिखता है आपको.
That is the difference. So this is how this entire cosmos is working. इसी से पूरा fabric बन गया. This is the fabric, cosmic fabric. ये वाला, ये पूरा cosmos इसी से सब कुछ बना. मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ total अंधकार, but मैं हूँ तो I am alive, aware and conscious, supreme consciousness. कि मैं हूँ, वो सब कुछ मैं ही हूँ और मैं ही कुछ नहीं हूँ. That means all in one, one, one in all. This is the symbol. कि ये is equal to ये. ये डॉट भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये ब्लैक बोर्ड भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, सब मैं ही हूँ. मैं कौन हूँ? मैं नहीं हूँ. That means this leads to two equations. पहला है तू तू मैं मैं. Perspective ये तू है, ये मैं हूँ. ठीक है. With respect to this position, मेरी position से ये secondary position है तो तू है. But from this position ये मैं हूँ, ये तू है. जो यहां है उसके लिए ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है. मतलब मैं ही तू है, तू ही मैं हूं. बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे दोनों ही मैं हूं, यहाँ पे कोई तू नहीं है, यूनाइट हो गया. ये सुप्रीम है, मी आई एम नॉट. दोनों ने ही पता लग गया कि हम तो है ही नहीं, हम तो कुछ नहीं है, आई एम नथिंग. दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ वननेस इज. अब यहां पे क्या है, पोजीशन में डिफरेंट है, रिलेटिव है. दिस इज रिलेटिव, यहां पे रिलेटिव है. दिस इज एब्सोल्यूट. दिस इज द साइंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, सॉरी जानने की प्रक्रिया, स्पिरिचुअलिटी. दिस इज एब्सोल्यूट साइंस. मुझे पता लगे कि मैं हूं, मैं कुछ नहीं हूं. यहां पे तू तू मैं चल रहा है. इसके बाहर की दुनिया जो रिलेटिव है, अलग चीजों से रिलेट करती है. थर्ड डिग्री इन्फॉर्मेशन, दिस इज सेकेंड डिग्री इन्फॉर्मेशन, दिस इज फर्स्ट डिग्री इन्फॉर्मेशन, इसके आगे जीरो डिग्री इन्फॉर्मेशन. ये चीज है, समझ गए. इससे जब हम थर्ड डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बाउंड्री आ जाएगी, जहां पे आप यू विल रीच द मैक्सिमम. अब स्पेस टाइम में आप पहुंच गए, अब कहां जाएं? देन दोबारा घूम के फिफ्थ डिग्री आ जाएगा. ये फोर्थ डिग्री है, ये फिफ्थ डिग्री, एंड जीरो एंड फिफ्थ इज वन एंड द सेम. दिस इज द सर्कल. खत्म. यहाँ पे हम है, तू तू मैं कर रहा, तू क्या बोल रहा है, मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, तू क्या है. जहां पे डिस्कशन चलते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है एक दूसरे को नीचा दिखाना, यहाँ पे होता है एक दूसरे से ऊपर जाना, कॉम्पिटिशन. यहाँ पे होता है हमारा ऑब्जेक्टिव एक जगह पहुंचना है, सेम कंक्लूजन पे. ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन होते हैं. ठीक है, इसके आगे यहाँ पहुंच जाते हैं, हमको पता लगता है यार ठीक है, हम समझ गए, दोनों समझ गए, और वी आर ऑन द सेम पेज. हियर वी आर रीडिंग द सेम बुक, हियर द बुक्स इज डिफरेंट. हम बस कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार मेरा सही है, मेरा सही. यहाँ पे तो बुक है ही नहीं, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी. किसी और की किताब किसी ने पढ़ के सुनाई, कोई और उसको बोल रहा है बहुत बढ़िया. जैसे यहाँ पे क्या चलता है, ये धर्म है, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम हूँ, मैं फलाना है, टिमकाना, दिमाग से परे की चीज है. जिसने खुद पढ़ी नहीं, खुद जाने नहीं, किसी और की बात जान के बहसबाजी करने लगते हैं. यहाँ पे जो लोग होते हैं उन्होंने शायद कुछ पढ़ी होती, कुछ नहीं पढ़ी होती, तो कुछ तर्क उनके होते, कुछ दूसरे को होते. यहाँ पे क्या होता है, वो पढ़ तो लेते हैं. नाउ दे वॉन्ट टू रीच अ पॉइंट कंक्लूजन, यार ये चीज तो उसमें बोली है, अब हम चाहते हैं. ये प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, ये लोग हैं जिनको पता है भैया तू पहुंचे वहीं पहुंचोगे, कोई बात नहीं, पहले बता देते तुमको आना तो आओ, वरना कोई बात नहीं. सो जिस दिन ये लाइन, ये कर्व पैरेलल लाइन से या से पैरेलल हो जाएगी, दिस इज एब्सोल्यूट, दिस इज दिस पैरेलल लाइन. मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूँ, तू अपने रास्ते पे चल रहे हो, हम एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम बना के आगे चल रहे हैं. कि भैया तुम भी ना नीचे गिरो, मैं भी ना नीचे गिरूं, तुम अपने रास्ते पर सीधा चलो, मैं अपने रास्ते पर सीधा चलूं. तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नीचे गिराने की नहीं होती. यहाँ ऑब्जेक्टिव होती है दूसरे को सपोर्ट करने का, और उसको उसके रास्ते पर आगे नहीं भेजेगा, आगे जाएगा. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आगे जाए, सही तरीके से सही रास्ते पर सच पर जाए. और वो तभी पॉसिबल है जब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, स्मॉलेस्ट स्टेप पॉसिबल. कि मैं अपने हर कदम को अगर देख के चलूंगा तो मैं गलती कब करूंगा, और गलती करूंगा तो मुझे सुधारने का टाइम भी मिलेगा, क्योंकि मैं अगला कदम लूंगा ही नहीं. तो गलती कभी होगी नहीं, हमेशा सीख होगी. हम भागने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे गलत स्टेप्स होते हैं, हमारे इनिशियल्स ही गलत होते हैं, हमारा सीड ही गलत है. हम तो सीधा पेड़ के फल खा रहे हैं, यहाँ पे सीड का तो हमको पता ही नहीं है. अगर हमें सीड सही कर दे तो फल तो अच्छा ही होगा ना. ये सेल्फ एजुकेशन. दिस एंटायर सिस्टम जो हमने अभी पढ़ा, दिस एंटायर सिस्टम इज नोन एज सेल्फ एजुकेशन. जिसका ऑब्जेक्टिव ही है सीड ऑफ लाइफ को सबके अंदर डालना. उससे क्या होगा कि एवरीवन बी एबल टू क्लियर द एग्जाम ऑफ लाइफ. जब एग्जाम ऑफ लाइफ पास कर दोगे, देन लाइफ विल गिव यू द फ्रूट. वो फ्रूट यही है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं हूं. नाउ व्हाट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई एम फ्री टू डू इट, एंड आई नो हाउ टू डू इट. इट शुड नॉट हार्म द नेचर, इट शुड सपोर्ट द नेचर. दैट्स इट.
हमें सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम बनना है, हम उस सिस्टम को एनहांस करना है। ये नहीं कि जो मिला नोच खाए भग गए, यहाँ वाले नोच चुक हुआ है, जो है उसको नोच के खा रहे हैं, अगले के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। ये चीजें जो है ये हमारे वैदिक सिस्टम में है। हमारा जो ये सनातन धर्म है उसमें यही से शुरुआत होती है, यही खत्म होती है, इतनी ही सीट डालनी होती है यहाँ पे, ये डालने के बाद सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है। बेसिक सही है तो अपने आप चीजें चलेंगी, उसी सॉफ्टवेयर सही है तो जो प्रोसीजर है तो लॉजिक तो वही लगेगा। दिस इज द लॉजिक ऑफ लाइफ, इसको लगाओ लाइफ झिंगा लाला है, मजे हो जाएंगे, लोड कम हो जाएगा, आपको ये पता है कि परेशान नहीं हो, ये एक समाधान ढूंढने का तरीका है। यू कैन सी द सोल्यूशन इन एवरी प्रॉब्लम, दैट्स द बेस्ट यूज ऑफ माइंड। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज ऑल सोल्यूशन। दिस लीड्स टू थिंक कि मैं कौन हूं, यू रियलाइज कि मैं कौन हूं, रिमूव दिस व्हाट्स लेफ्ट, रिमूव क्यों कौन, व्हाट्स लेफ्ट, मैं हूं, आई एम नॉट, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कौन, ये कौन कुछ नहीं है तो मैं हूं, आई एम, दैट्स द प्रूफ कि मैं हूं, खत्म, एज सिंपल एज दैट। मैं कौन हूं, मैं हूं, नाउ सेकेंडरी, एवरीथिंग इज सेकेंडरी, मैं हूं, बाकी सब क्या है ये ढूंढ लेता हूं मैं, ये तो मैं हूं, अब इधर क्या है ये मैं ढूंढ लेता हूं, इधर क्या है ये मैं ढूंढ लेता हूं, इधर जाएगा तो आध्यात्मिक प्रोसेस में आगे चला जाएगा, मतलब जो ये योगी कल्चर है, यहाँ पे जाएगा तो बाहर की दुनिया में करेगा, एज सिंपल एज दैट। ये सिस्टम है पूरा का पूरा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हम अभी हैं, मैं बता रहा हूँ तुम सुन रहे हो, तुम बता रहे हो मैं सुन रहा हूँ, अब बाहर चाहे तो जिस तरह डिसीजन कर लो, अपने को तो अंदर जाना है, जो ये जानना चाहता है कि हम यहाँ से यहाँ कैसे एक कैसे हुए, मुझसे नहीं, मुझसे, इससे, ये फिजिकलिटी से नहीं, इससे, इनर सेल्फ से, अपने ट्रू सेल्फ से कैसे यूनाइट करें, यूनियन को कैसे एक्सपीरियंस करें, लव को कैसे एक्सपीरियंस करें, फ्रीडम को कैसे एक्सपीरियंस करें। वो फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे मिलता है बट स्पिरिचुअल फ्रीडम यहाँ पे है, ये तुमको अपने अंदर जानना है, इसके लिए किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानो, इसको मान लो कि मैं आज यहाँ हूँ, माय इनिशियल पोजीशन इज दिस, आई हैव टू रीच दिस लेवल इनटू नथिंगनेस, दैट्स इट, मेरा इनिशियल फिक्स है, मेरा एंड पॉइंट फिक्स है, आज इतना है मेरे पास, धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते मैं यहाँ पहुंचूंगा और यहाँ पहुंच जाऊंगा, दैट्स इट, यहाँ पहुंचते आई एम फ्री, नाउ आई एम फ्री टू डू एनीथिंग, बट आई विल डू नथिंग बिकॉज आई नो नथिंग इज एवरीथिंग, एज सिंपल एज दैट। सो अगर हमें चीज पहुंचाए तो हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इतना कुछ करने की जरूरत क्या है, इसका रिजल्ट ये है कि सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम भाग रहे हैं, हमें सिखा दिया गया भागना, माइंड इज ट्रेन टू रन, बट वाई, इफ यू रन द सेम रेस अगेन एंड अगेन व्हाट इज द बेनिफिट, यू शुड एंजॉय रनिंग, डोंट रन फॉर द रेस, एंजॉय रनिंग, क्योंकि तुम रन रेसर नहीं हो, तुम्हारा काम कुछ और हो सकता है, हर बंदा एथलीट नहीं है, हर बंदे का काम अलग है, तो अपने काम के अकॉर्डिंग एंजॉय करके दौड़ो, जितना दौड़ सकते हो उतना ही दौड़ो, मजा लो, जब तक मजा आ रहा दौड़ो, नहीं आ रहा मत लो, जिस काम में तुमको मजा आ रहा उस काम में दौड़ो, जो तुम्हारे अंदर से आ रहा है, जिसको करके तुम्हें खुशी मिलती है, जिसको तुमको उड़ान सा महसूस होता है, ये फिर लाइट हेडेड, वो चीज करो तब मजा आए। जैसे ये चीज है, ये मेरे अंदर से आ रहा है, मुझे भी नहीं पता है क्या है, बट आई हैव गिवन टाइम टू इट, आई हैव इन्वेस्टेड ऑन माई सेल्फ। जब कुछ करना ही है तो ऐसा करो ना जो अनंत हो, कुछ ऐसा हो जो आपको एंड तक लेके जाए, कुछ ऐसा हो जो आपको आजाद कर दे, कुछ ऐसा हो जो आप मरते दम तक आखिरी सांस तक करो और सांस के आगे भी करते जाओ, वो यही चीज है। तो इसे कम करने की जरूरत क्या है, व्हेन यू कैन डू द मैक्सिमम देन व्हाई यू नीड टू डू लेस देन दैट, बट फॉर दैट यू हैव टू गिव एवरीथिंग, यू हैव टू ट्राई, इफ यू वांट टू रीच द हिमालयस, इफ यू वांट टू रीच द टॉप ऑफ इट, यू हैव टू गो देयर, वंस यू गो देयर यू नो हाउ टू गो देयर, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, यू विल बी देयर, एज सिंपल एज दैट। उसके लिए तो ये जानना बहुत जरूरी है, यहाँ भागना नहीं है, रुकना है, वी नीड टू कूल डाउन। अगर हम रुकेंगे तो हम नेचर को टाइम देंगे कि वो ग्रो करे, खाते जाएंगे वेस्ट ज्यादा हो रहा है, व्हाट ह्यूमंस आर डूइंग इट, दे आर प्रोड्यूसिंग मोर वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट इज द मैक्सिमम वेस्ट ऑन दिस प्लैनेट व्हिच इज वेस्टिंग एवरीथिंग, यू कैन सी इन दिस क्वारंटाइन पीरियड व्हाट इज हैपनिंग, सिर्फ इंसान रुक गया नेचर अपने आप उभर के सामने आ गया। सेम थिंग इज हैपनिंग इन आवर माइंड, कचरा भरा हुआ है यहाँ, बहुत जल्दी है हर चीज करने की, वक्त के पीछे भाग रहे हैं, अरे यहाँ के देखो वक्त नहीं है, यहाँ वक्त को वक्त चाहिए कि भाई मुझे जिंदगी दो, यहाँ है, यहाँ टाइम के पीछे भागते हैं लोग, यहाँ समय ही नहीं है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन टाइम, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, डोंट रन, डोंट चेस, ब्रेक द चेन, जस्ट टर्न इनवर्ड, डाइव इन एंड ऑब्जर्व डीप इनसाइड यू अंटिल यू रीच हियर, यू बिकम द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल, यू बिकम द गॉड पार्टिकल एंड दैट इज योर ओन सेल्फ, देयर इज नो पार्टिकल, यू आर गॉड। दिस इज मॉडर्न साइंस, दिस इज बिजनेस, दिस इज लाइफ, दिस इज सुप्रीमेसी। Choice is in your hands.
क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, सब यहाँ इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते, एक जन्म में नहीं पहुंच सकते, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस, इट्स अ रेफरेंस एंड द रिजल्ट ऑफ योर कर्मास, जो तुमने पिछले कर्म्स में करे होंगे तो पता नहीं लगता है, रिजल्ट तभी आएगा जब इनपुट होगा, इफ देयर इज इनपुट देयर विल बी आउटपुट फॉर श्योर, इफ देयर इज नो स्टोरेज, इफ यू हैव स्टोर्ड देन दैट विल रिजल्ट इन योर अनदर नो आउटपुट, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग प्रोसेस होगा, सो इफ देयर इज नो स्टोरेज देयर विल बी टोटल आउटपुट, एंड हियर इन इज इक्वल टू आउट, जो बन रहा है वो जा रहा है, मतलब बन भी रहा है, बिगड़ भी रहा है, जी भी रहा है, द अल्टीमेट थिंग, नो मेमोरी, नथिंग, सो दिस इज वॉट अल्टीमेट पाथ इज ऑल अबाउट, दिस इज वो हम कल बात करेंगे, अल्टीमेट पाथ क्या है ये पाथ, ठीक है, दिस इज रिलेटिव पाथ, दिस इज द सिस्टम, ध्यान से देखो जो मैंने अभी बोला उसको दोबारा सुनो, अच्छे से समझो, ये कोई मजाक नहीं है, बड़ी गजब की चीज है, मजा आ जाएगा, जिंदगी को समझने के लिए सिर्फ इतना ही समझना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन को हटा दो, रिमूव द क्वेश्चन, देयर इज आंसर, बट एट द एंड यू रियलाइज इफ देयर वॉज नो क्वेश्चन देन वेयर वॉज द आंसर, आई एम द आंसर, आई एम द आंसर, आई नो द आंसर, बिकॉज इफ आई एम कंफ्यूज, अगर मैं यहां से थोड़ा भी इधर जाऊंगा मेरा रिप्लिका क्रिएट हो जाएगा, मिरर इमेज आ जाएगा, मैं इस तरफ देखूंगा तो भाई वो तो इनफाइनाइट है ना, शीशा है, जो पीछे होगा वो दिखता जाएगा, मुझे लगा कि मैं ही हूँ, ब्रेक दैट मिरर एंड रियलाइज कि मैं हूँ, दैट्स इट, नाउ एंजॉय द नेचर, जो साइड हो रहा है उसको एंजॉय करो, जो तुमको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग बताओ, मैं यही कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है, बस जो है वो है, क्योंकि मैं ही कुछ नहीं हूँ, दैट्स द थिंग, दिस इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट, अपने आप को यहां से यहां लेके जाना, मैं कुछ नहीं है मैं जानता हूं, इस बात पे कभी घमंड नहीं मुझे, मेरा मैं पीछे छूट गया, ये मेरा मैं नहीं है, ये परमपिता परमेश्वर का मैं, जो अभी मुझे मैं से मुक्त कर रहा है, भय से मुक्त कर रहा है, द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम विदिन, आई डोंट नीड एनी मेमोरी टू डू दैट, सो इफ यू वांट टू फील द डिफरेंस, द एक्सपीरियंस माय जर्नी बियॉन्ड सेल्फ इनटू नथिंगनेस विद मी एट माइनर सेल्फ ऑब्जर्व डीप इनसाइड यू, करके देखो अच्छा लगेगा आपने लिए, अपने अच्छा करने में और सच्चाई का साथ देने में और एक एंटरप्रेन्योर बनने में कोई बुराई नहीं है, स्टार्ट नाउ, एड मी टू लाइफ, इज दैट्स इट, आमीन।